मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एमआईएम पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। कलवा मुमरा विधानसभा के उम्मीदवार बरकतुल्ला शेख उर्फ गुंजन सेठ ने नामांकन वापस ले लिया है और रात से ही गुंजन सेठ फरार चल रहे हैं। एमआईएम के लोग रात से ही गुंजन सेठ की तलाश कर रहे हैं, मगर जो बात अब सामने निकल के आ रही है कि गुंजन सेठ ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। एमआईएम पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं उम्मीदवारी वापस लेने से एमआईएम की काफी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि गुंजन सेठ ने नामांकन वापस लिया और अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। अब तक जो लोग शानू पठान को नोबिता और शमीम खान को डोरेमोन कहते थे, वही नोबिता और डोरेमोन ने अपने गैजेट का इस्तेमाल कर ऐसा चमत्कार दिखाया कि एमआईएम उम्मीदवार का सुपड़ा ही साफ कर दिया है। एमआईएम की उम्मीदवारी मुमरा कलवा से अहम मानी जा रही थी, मगर शानू पठान और शमीम खान ने इस अहम भूमिका को खत्म कर दिया है। वही इस मामले में जब हमने शमीम खान से जानना चाहा तो सुनिए फोन लाइन पर शमीम खान ने क्या कुछ कहा है। गुंजन सेठ का अभी आपका जो चल रहा है, आपका और शानू पठान का, तो इसमें क्या भूमिका है आप लोगों की? नहीं, इसमें इस्लामुद्दीन भाई, मैं अपनी या शानू भाई की कोई भूमिका नहीं मानता हूँ। मैं इस पे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो गुंजन सेठ बरकतुल्ला सेठ ने जो फैसला लिया है वो फैसला काबिले तारीफ है, कि जो उनका फैसला है वो फैसला इसी बात को लेकर के है कि आमदार डॉक्टर जितेंद्र वार साहब हमेशा माइनॉरिटीज के लिए खड़े रहते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, और वो मुमरा कौसा कलवा का उन्होंने जो विकास किया है उनकी सोच ये है, ऐसा मुझे लगता है गुंजन सेठ जी की, ऐसे लीडर को आगे बढ़ाना चाहिए और इस लीडर का नाम इतना बड़ा होना चाहिए कि हिंदुस्तान महाराष्ट्र के अंदर इनको इतना लीड मिले कि ये नाम जो है मुमरा कलवा का इतिहास में लिखा जाए, ऐसा लगता है मुझे शायद। और मैं जहाँ जहां तक मेरे को ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या बात आप लोगों से, क्या आपसे शानू पठान से गुंजन सेठ से बातचीत हुई थी? सुनिए ना, क्या कहा था उन्होंने? जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि कल शाम में कुछ उलमाए कराम के साथ उनकी शायद बातचीत हुई थी, तो उलमाए कराम ने उनसे कहा कि डॉक्टर जितेंद्र रवार साहब को आप अच्छे मकसदों से जीतने दीजिए और आप उन आप कहीं ना कहीं आप भी उनका ध्यान रखिए कि वो एक अच्छे नेता हैं, माइनॉरिटीज की आवाज उठाते हैं, हमारे कौम के लिए लड़ते हैं, शहर के लिए लड़ते हैं, एक्टिव रहता। मुझे यहां वहां से मैसेज मिला है शायद इस्लामुद्दीन भाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अल्लाह का एहसान है, जो कुछ भी है अल्लाह ताला ने बात दिल में डाली होगी गुंजन सेठ के, और उन्होंने इसको लेके फॉर्म रिटर्न लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। शमीम खान भी फोन लाइन पर टाल मटोल करते हुए बातें की है, लेकिन उन्होंने सच्चाई नहीं बयां की है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है उसमें ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि शमीम खान और शानू पठान का एमआईएम के उम्मीदवार का सुपड़ा साफ करने में अहम रोल है। जिस तरह से एमआईएम उम्मीदवार ऐसे मौके पर फरार हो गए हैं, ऐन मौके पर एमआईएम पार्टी को जोर का झटका धीरे से लगा है। ऐसे में एमआईएम के वरिष्ठों को सबक लेने की जरूरत है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।